जैसे तमाम साथी जानते हैं, जिस तरीके से भारत के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तमाम किसानों से लंबे समय से आंदोलन कर रहे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी संसद में जिस तरीके से बोले और तमाम चीज़ों को लेकर ये तीन काले कानून वापस करने का निर्णय लिया है, वो निर्णय मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने नेता राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने किसानों के साथ खड़े होकर जो उनकी रोजी रोटी बचाने का जो संघर्ष था उसका साथ देते हुए भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को जिस तरीके से ये कानून वापस करने पर मजबूर किया, आज तमाम देश का किसान और कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को जो संघर्ष उन्होंने किया है, किसानों जो संघर्ष किया, जय जवान जय किसान का नारा देते हुए आज महसूस होता है कि भारत की सरकार ने स्वीकार किया कि वो अपने गलत तानाशाह रवैयों को अपनाते हुए निर्णय लिया था और जो आज वापस हुआ। राहुल गांधी जी ने तमाम इस लड़ाई में संसद हो, सड़क हो, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ लड़ाई लड़ी और उसकी जीत हासिल हुई। सबसे बड़ा सवाल है कि इस आंदोलन में भारत की सरकार ने मोदी की अपने चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार जिस तरीके से अडिग रवैया अपनाते हुए तमाम किसानों को जो खदेड़ने का काम किया और इस संघर्ष में हमारे 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनका बलिदान कहीं ना कहीं इस देश के लिए, इस देश के किसान के लिए बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने अपनी जान को न्यौछावर किया और आज वो काले कानून मोदी सरकार को वापस करना पड़ा। लेकिन मैं मांग करता हूं कि मोदी सरकार से कि जिस तरीके से उन्होंने इन काले कानूनों को वापस करने की बात की, जिन 700 से ज्यादा किसानों इस देश के लिए शहीदी दी है, उन तमाम परिवारों के लिए एक सरकारी नौकरी होना चाहिए और कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा भारत की सरकार को तत्काल दे देना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई जो संघर्ष की लड़ाई थी, इसमें जो 700 से ज्यादा किसानों की जान गई, वो सिर्फ सिर्फ मोदी सरकार के हिटलर शाही और उनकी जिद की वजह से गई है। अगर ये काले कानून ना लाए होते, ये काले कानूनों की अगर बात इन वापस करने की बात, जैसे ही हमारा किसान आंदोलन शुरू हुआ था हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था और इसको बिना चर्चा के उन्होंने इन किसानों के काले कानून को पास कराने का काम किया, अगर ये समय वापस कर दिए जाते और इनको नहीं किया जाता तो तमाम हमारे जो किसान आज इस दुनिया में नहीं रहे, जो शहीद हुए उन लोगों की जाने नहीं जाती। तो मांग करता हूं कि तत्काल उनको मुआवजा मिलना चाहिए और सरकारी उनके परिवार को नौकरी देना चाहिए और दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी।